हाय फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं फिल्मी किचड़ी। मैं हूं रूना आशीष। और चलिए, एक गुड न्यूज ये कि आपके जो मैग्निफिसेंट फोर है पवन, अरुणिता, दानिश, साली फाइनली भारत की भूमि पर अपने कदम रख चुके हैं। मेरे देश की पावन मिट्टी पर ये लोग आ चुके हैं। और फ्रेंड्स, कुछ रात को 12 बजे के बाद इनका आगमन हुआ है। एंड ओवरऑल चलिए अच्छी बात है। हो सकता है जब तक ये न्यूज आप तक आए, जब तक ये स्टोरी आप तक पहुंचे, तब तक ये सारे ही लोग, मतलब आपके जो चारों मैग्निफिसेंट फोर है और शिखा जी और साथ ही में जितने भी आपके बैंड मेंबर्स हैं, सभी लोग आराम से सो रहे हो। एंड आई रियली विश कि लोग सो रहे हो। एंड फ्रेंकली स्पीकिंग फ्रेंड्स, इतना बड़ा और इतना सक्सेसफुल शो के बाद मुझे लगता है दे शुड टेक अ ब्रेक, लेकिन ऐसा होने नहीं वाला है। तो चलिए एक रिमाइंडर या जो भी आप बोलना चाहें मैं कर देती हूँ। इनके जो शोज रहे हैं फ्रेंड्स, ये तो सर्टनली लोगों को बहुत पसंद आए ही हैं। साथ ही में 29 अक्टूबर से ये शुरू हुआ था टंपा, फिर 30 को लबॉक, फिर 4 को सुरीनाम, फिर 5 को ट्रिनिदाद, फिर 12 तारीख को अटलांटिक सिटी, 13 को बॉस्टन, नवंबर 18 को फोर्ट लॉडरडेल, देन 19 को ह्यूस्टन एंड फिर 20 तारीख को डेनवर। ये लोग लास्ट डेनवर वाला शो करके लौटे हैं। और इस बीच आपको याद दिला दूं कि 11 तारीख को ये भारत फिर आए थे, भारत में जयपुर में अपना एक परफॉर्मेंस दिया, अपना एक पवन अरुणिता ने अपना एक शो किया और फिर उड़कर पंछी की तरह वो पहुंच गए यूएस वापस और फिर अपने शो देना शुरू कर दिए हैं। तो ये एक जस्ट आपको याद दिलाने की बात कर रही हूँ। आने के बाद ये लोग शांत नहीं बैठने वाले हैं, क्योंकि इसके बाद 26 तारीख को चेंबूर इलाके में एक बार फिर से पवन और अरुणिता का प्राइवेट शो होने वाला है। ये एक गिग है और इसमें कुछ ये कहा जा सकता है कि सिर्फ लाइव का इंतजार किया जा सकता है, क्योंकि ये हर एक की एंट्री होगी ऐसा मुझे लगता नहीं है। लेकिन फिर 27 तारीख को फूल बागान नाम के इस एरिया में, जो कि कोलकाता का ही एक पार्ट है, पवन पहुंचने वाले हैं और वहां पर मुझे लगता है कि इट विल बी फ्री फॉर ऑल, तो उसका इंतजार किया जा सकता है। जो कोलकाता वासी हैं वो खुश हो सकते हैं इस दौरान। और अगर पवन की ही बात करूं तो 4 तारीख को फिर से इन लोगों को निकलना है, यानी कि पवनदीप को और साइली को निकलना होगा विद साईशा, फैज और ऋतुराज। सो ये लोग अफ्रीका की तरफ निकलने वाले हैं। वहीं पर 17 या 18 का एक शो कंफर्म हुआ है अरुणिता की तरफ से, दैट टू इन त्रिपुरा। सो अभी तक ये खबर मेरे सामने आ रही है। सर्टनली आप सभी को और मुझे भी उतनी ही बेसब्री से इंतजार है कि भूमि का जो सलीम जी 30 नवंबर का शो बोल चुके हैं हमारे कैमरा पर, फिल्मी खिचड़ी के कैमरा पर, उन्होंने कहा था कि 30 नवंबर को एक बड़े से जलसे के तौर पर उत्तराखंड में ये शो करने वाले हैं, उसकी डिटेल्स का इंतजार मैं भी कर रही हूँ। हो सकता है कि जिस तरीके से अचानक से पोस्टर आया और अचानक से बोल दिया गया कि भाई 30 तारीख को पवन का बेडू पाको ये वाला गाना आने वाला है, सलीम जी ने सबसे पहले आपके इस प्यारे चैनल पर ही बताया था। सो इंतजार करते हैं, जैसे ही उसकी कोई और डिटेल्स मिलती है डेफिनेटली आई एम गोइंग टू शेयर इट विद यू। बट हाल फिलहाल तो इन लोगों का स्वागत नहीं करेंगे आप, स्वागत कीजिए यार। और चलिए मुझे ये बताइए, आपको इतने सारे शोज में सबसे अच्छा शो कौन सा लगा है, या कौन सा एक ऐसा वाकया रहा है जो आपको इस पूरे टूर के दौरान हमेशा याद रहेगा? जरा लिखकर बताइए। जय हिंद।